students of class 6. Today I'm going to explain you unit 1, the world of colors. Activity 1, the quarreling colors part 1. This is the part 1, means half story here. So dear students, first I will read a paragraph, then I will explain it. You can also read after me. So let's start reading. Long, long ago, the colors in the rainbow started to quarrel. Each color thought it was the most important color of all. In first paragraph, बहुत पुराने time की बात है, सारे colors एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे. Quarreling मतलब झगड़ना. वो एक दूसरे को बोले थे कि मैं बहुत अच्छा color हूँ. वो बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छा color हूँ. अब एक दूसरे से अपनी अच्छाई के बारे में मतलब कि मैं अच्छा हूँ, तू नहीं, मैं हूँ, ऐसे झगड़ रहे थे. Violet said, I am the color of humility and wisdom. I am the most important. वायलेट अपने कलर के बारे में बता रहे हैं कि आई एम द कलर ऑफ ह्यूमिलिटी एंड विजडम. तो वायलेट बोलता है इन सेकंड पैराग्राफ के मैं तो ह्यूमिलिटी में एक हम्बल कलर हूँ, लोग मुझे हम्बलिटी के लिए यूज़ करते हैं, और मैं एक विजडम हूँ, एक नॉलेजेबल कलर हूँ, मतलब मैं एक एक्सपीरियंस्ड कलर हूँ, और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट कलर हूँ. इंडिगो स्पोक सॉफ्टली, आई एम द कलर ऑफ साइलेंस. यू नीड मी फॉर पीस एंड प्रेयर. I am the most important one. In third paragraph, Indigo को खुद बोलता है एकदम धीरे से, अरे भाई मैं तो साइलेंस का कलर हूँ, लोग मुझे शांति के लिए और प्रार्थना के लिए यूज़ करते हैं, और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट हूँ. फिर आता है ब्लू. ब्लू इंटरप्टेड, आई एम द कलर ऑफ वाटर. वाटर मेक्स अप लाइफ. विदाउट मी यू वुड बी नथिंग. ब्लू बीच में रोक रहा है, अरे रुक जाओ भाई, मैं पानी का कलर हूँ, पानी ही सबकी लाइफ है, विदाउट पानी तो किसी की लाइफ लाइफ ही नहीं है. तभी ग्रीन कलर है. ग्रीन सेड, आई एम द कलर ऑफ नेचर. दैट इज व्हाई आई एम द बेस्ट. अरे भाई मैं तो नेचर का कलर हूँ, इसलिए मैं सबसे बेस्ट हूँ. येलो स्माइल, आई ब्रिंग वॉर्म टू द वर्ल्ड. द सन, द मून एंड द स्टार्स आर ऑल येलो. येलो थोड़ी ज़्यादा होशियारी मारते हुए मिलता है. मैं सबके लिए वॉर्म लेकर आता हूँ वर्ल्ड में, सन से, मून से, स्टार से, दे ऑल आर फाइनली येलो. तब ऑरेंज आके बोलता है, ऑरेंज लाफ्ड, आई एम द कलर ऑफ करेज. श्योरली आई एम द बेस्ट. वो हंसता है, अरे भाई मैं तो हिम्मत वाला हूँ, मतलब मेरे कलर में हिम्मत भरी हुई है, मैं यूज होता हूँ करेज के लिए, श्योरली तो फिर मैं ही बेस्ट हुआ ना. रेड शाउटेड, आई एम द साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड अथॉरिटी. रेड चिल्ला के बोलता है, अरे 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 मैं तो ताकत का कलर हूँ और अथॉरिटी हूँ, राइट. मेरा जो कलर का यूज है वो स्ट्रेंथ, हिम्मत होती है, और किसी की अथॉरिटी अगर दिखानी हो तो मेरा कलर यूज होता है, तो मैं इम्पोर्टेंट हुआ ना. आप कहाँ से हुए? तो ये सब करते करते एक दूसरे की इम्पोर्टेंस दिखाते दिखाते ये कलर्स झगड़ रहे थे. ऑन द नेक्स्ट पेज बच्चों, इन एक्टिविटी 2 देर आर 3 क्वेश्चंस. What colors have you seen in the story? Story में हमने रेनबो के कलर्स देखे, जो आप लिख सकते हैं. मैंने लिखे हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज एंड रेड. Which color do you like the best? भाई मुझे पूछा है तो मैं कहूँगा मुझे तो वायलेट पसंद है. आई लाइक वायलेट कलर. आपको जो कलर पसंद है आप उसी का ही नाम लिखिएगा. थर्ड क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू हैव सीन इन योर फेवरेट कलर. अगर आपका फेवरेट कलर कोई भी है तो आपने कौन सी चीज़ें उस कलर में देखी है. पर मैंने तो काइट्स मतलब के पतंग, कपड़े, क्लोथ्स, टॉयज, कर्टन्स, बैग, पेंसिल कलर एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं वायलेट कलर में. इसके अलावा जो नीचे एक एक्टिविटी है जिसमें लिखा है कि अपने क्लासमेट को पूछिए उनके फेवरेट कलर्स के बारे में, राइट. उनके फेवरेट कलर्स कौन से हैं, एक चार्ट बनाइए जिसमें उनके फेवरेट कलर्स हों. देखिए कि कौन सा कलर किसको ज़्यादा पसंद है, मतलब कितने कौन से कलर फेवरेट है तुम्हारे क्लास में, यहाँ पर आपको भरना है पूछ के. नेक्स्ट पेज पे उसी चार्ट को देखकर यहाँ पर आपको आंसर भरना है. सो आप ये खुद करना. नेक्स्ट है एक्टिविटी 4 में हमारा पार्ट 2, स्टोरी का पार्ट 2, द कोरलिंग कलर पार्ट 2. डू यू नीड टू रीड पार्ट 1 अगेन? इसका मतलब है कि आपको पार्ट 1 पढ़ने की जरूरत है? नहीं, आपको पता चल चुका है. Suddenly there was a thunder and lightning and it began to rain heavily. अचानक से आसमान में बादल गरजने लगे, लाइट होने लगी, बिजली होने लगी और हैवी बरसात शुरू हो गई.
The seven colors, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red, all heard the angry voice of the rain. Rain ka gussa unhone suna. You stupid foolish colors, why are you fighting amongst yourselves? Don't you know each of you is important? The lightning stopped and the thunder quiet. ये पैराग्राफ में बोलता है, अरे स्टूपिड कलर्स, तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? चुप जाओ, तुम्हें पता है एक दूसरे का महत्व कितना होता है आपस में रहने का? जब बारिश चिल्ला के बोला तो लाइटनिंग और थंडर दोनों शांत हो गए. द रेन सेड, लिसन टू मी, ईच ऑफ यू हैज अ स्पेशल पर्पस. व्हेन आई स्टॉप द स्टॉर्म, यू मस्ट ऑल होल्ड हैंड्स एंड हेल्प ईच अदर. You will help each other stretch across the sky to make the rainbow. The rainbow is a special sign. It shows that if we all work together and help each other, even with our differences, we all will shine. बहुत ही अच्छी बात कही रेन ने. रेन ने कहा, अरे सुनो, मुझे पता है आप सभी का कोई special purpose है, पर जब मैं इन storm को, मतलब इस तूफान को रोक दूंगा, बरसात बंद हो जाएगी, तब क्या होगा? आप सातों, मतलब सेवन कलर्स, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रेनबो बनाओगे कि नहीं? स्काई में रेनबो बनाओगे. रेनबो बनाने के बाद, रेनबो कौन सी साइन है? रेनबो का एक स्पेशल साइन है. अगर हम साथ में काम करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, तो हम डिफरेंसेस ला पाएंगे और हम शाइन करेंगे. अलग अलग करोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा. तुम्हारे अलग की कोई पहचान नहीं है. तुम साथ में रहोगे, रेनबो जो भी बादल में बनता है उसकी पहचान है पूरी दुनिया में. तुम अकेले की कोई पहचान नहीं है, तो साथ में रहो, यूनाइटेड रहो. द कलर्स अंडरस्टूड द मिस्टेक, द स्टॉर्म एंडेड एंड द कलर्स हैप्पीली जॉइन हैंड्स. कलर्स को समझ में आ गया कि हम आपस में क्यों झगड़ रहे, तो उन्होंने झगड़ना बंद कर दिया और रेनबो बन के शाइन करने लगे. सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी लर्न टुडे, टुडे वी लर्न टू स्टे टुगेदर. इफ वी ऑल आर टुगेदर, वी विल विन एवरीवेयर वेयर एवर वी गो. So stay united, stay happy. If you like the video, share and subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Thank you.